भाई दुर्लभ केशव का मर्डर हुआ था, सलमान लला गैंग और जय श्री महाकाल। लो यार ये रिवॉल्वर आपको किस, उनका मर्डर किस लोगों ने किया था यार? या। से वो अपने सलमान लला गैंग के बंदे, अपने भाई दुर्लभ की मौत कैसे हुई थी तो उस रात का बताओ ना मुझे कुछ यार। तो जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके की पावर में। तो दोस्तों यार मैं पहुंच चुका हूँ हेलवाड़ी उज्जैन के उसी इलाके में जहाँ पे अपने भाई दुर्लभ केशव का मर्डर हुआ था। चाय की टपरी इस तरफ है गाइस और कुछ लोग गैंगस्टर इधर बैठे, भाई के दोस्त सलमान लला गैंग और राजदीप मंडलोई की गैंग के बंदे कुछ इस तरह बैठे। तो आज हम उनसे चल कर इंटरव्यू लेने वाले हैं और पूछते उस रात आखिर क्या हुआ था। दोनों बार आया था गाइस, लेकिन दोनों बार मेरे साथ हादसा ऐसे हुआ था कि यार पिछली बार भी लड़ाई हो गई थी, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद मैं तैयार हुआ हूँ वापस और आज वापस आ चुका हूँ उनसे इंटरव्यू लेने के लिए। आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी और आप लोगों का काफ़ी अच्छा प्यार भी था, तो चलते सीधा उन्हीं के पास में और आज जो भी बात है उस रात आखिर क्या हुआ था अपने भाई दुर्लभ केशव के साथ में, तो पूरा का पूरा राज खोल देते हैं। आ जाओ भैया। तो गाइस चल रहे हैं सीधा उन्हीं के पास में। बाकी यार गाइस मैं चाय की टपरी पे गया था, लेकिन उन लोगों ने बोला था कि यार कुछ लोग वहाँ पे बैठे हैं कुछ गैंगस्टर लोग, तो उनसे जाके वहीं पे इंटरव्यू ले लो। तो गाइस यार ये पता नहीं कुछ एरिया है जो जैसे मतलब कि गैंगस्टर लोग होते हैं ना वैसे एरिया, मतलब कि यहाँ पे सुनसान इलाका है। और भैया आगे कुछ दिख रहा है कैमरे के अंदर गाइस? यार वो लोग दिख रहे हैं सामने, देख सकते हो आप, मतलब कि यही लग रहा है मेरे को लगता है दोस्त, अभी मेरे को लगता है ये दारू वगैरह पी रहे गाइस यार, लेकिन इनसे चुपके से लेना पड़ेगा। तो गाइस यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार। आ जाओ भैया। अरे जय श्री महाकाल भैया। श्री महाकाल। और कैसे हो? बढ़िया। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। और कहाँ से हो आप? अरे यार पिछली बार आया था ना मैं, भूल गए क्या? अरे हाँ, वो अपने गैंग के कुछ बंदों ने लड़ाई कर ली थी पिछली बार, काफ़ी दिनों बाद। आप यहाँ क्या कर रहे हो यार? हम यहाँ पे तो आपको मालूम है क्या करते हैं, एक जने का गम लग रखा है हमारा। ये रिवॉल्वर क्यों रख रखी आपने आज? ये हमारे गुरु गुरु का काम है, ये गुरु सिद्धू मूसेवाला। अच्छा तो मतलब यार ये रिवॉल्वर आपको किस, आज खुले आम कैसे लगा रखे आपने रिवॉल्वर को? सिद्धू मूसेवाला की हमारे को याद आ गई जिसलिए, वो हमारा गुरु है। अच्छा सिद्धू मूसेवाला आपके गुरु थे ना? हाँ। तो यार उनका मर्डर किस लोगों ने किया था यार? यार अच्छा पता नहीं था, बस मेरा था, मेरा जाना माना वहाँ पे नहीं था जिसलिए। अच्छा मतलब आपका ऐसे जाना आना लगा था वहाँ पे ना? हाँ। आज तो आपने भी पगड़ी लगा रखी सिर्फ है ना? हाँ। पिछली बार आपका अलग लुक था ना? हाँ बहुत। तो यार जैसे वो अपने सलमान लाला गैंग के बंदे किधर है अभी? कुछ दिख नहीं रहे, आप तीन ही लोग हो यहाँ पे, चार लोग हो बस अभी? सब इधर काम धंधों पे गए हुए होंगे। अच्छा सभी काम लोग। हाँ। तो जैसे कहाँ है, कोई कहाँ है? मतलब अभी मैं आपको जैसे चाय की टपरी पे गया था वहाँ पे अपने भाई बुधराज की दुकान पे ना। अच्छा। तो वहाँ पे बुधराज भैया ने बोला था कि यार अभी तो वो कुछ देर पहले तो यहीं पे थे, लेकिन अभी आगे की तरफ गए तो मैंने सोचा कि आगे की तरफ चल के देखते, तो आप लोग यहीं पे बैठे थे? हम यहीं पे बैठे थे, टाइम पास कर रहे थे। अच्छा मैं भी काफ़ी दिनों बाद आया हूँ यार। अच्छा आप भी चेंज हो गया, आपका लुक वुक भी आ रहा है ना? तो यार सिद्धू मूसेवाला की मौत का तो मेरे को भी अफसोस है यार, काफ़ी अच्छा फैन था मैं भी उसका, मतलब। अच्छा आपका गुरु था सिद्धू मूसेवाला ना? तो जैसे राजदीप मंडलोई ये नहीं आई कि उनकी मौत पे यार, जैसे मतलब कोई ऐसा पता नहीं जो भी हुआ अचानक ही हुआ? नहीं वो भी तो एक तरह से गैंगस्टर ही थे ना ऐसे भी लोग, है ना? तो मैं तो आपसे यही कंफर्म करना चाहता था कि यार बार बार अपने पब्लिक का डिमांड आता है कि मतलब कमेंट में कि अपने भाई दुर्लभ की मौत कैसे हुई थी, तो उनके बारे में पूरा राज खुल नहीं पाया अभी तक यार। अच्छा। तो उस रात का बताओ ना मुझे कुछ यार, उसका हो गया यार? रात 2 बजे का टाइम था, लेकिन यार उस रात कुछ लड़के थे मतलब ऐसे, वो हम नहीं थे ना वहाँ पे इसलिए। अच्छा आप थे नहीं उस दिन, है ना? लफड़ा भी यही था ना यार। तो गाइस यार भैया उस दिन थे नहीं, वरना यार ये सब बता देते हमको, लेकिन इनको जितना पता है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी भैया आपका नाम क्या है यार, आप पहली बार मिलो हमसे? ऋतिक बना नाम है। ऋतिक बना। अच्छा ऋतिक बना जी, है ना? और भैया आपका? अच्छा भैया। बाकी भैया तो हम काफ़ी अच्छी दोस्ती है पहले से यार, उस बार भी मिले थे हमसे। तो बाकी यार उस दुकान पे भी थे कुछ गैंगस्टर तो, लेकिन अभी उनसे तो मिला नहीं, मैंने सोचा यार भैया के पास में चलते डायरेक्ट। अच्छा। तो यार अभी यहाँ पे कुछ बंदों ने इधर भी खोली थी क्या चाय की टपरी यार, दुर्लभ के जाने के बाद में? नहीं इस तरफ रेल की पट्टी है, नहीं इस तरफ यार जैसे वो मतलब रेलवे स्टेशन है ना अपना उज्जैन हेलावाड़ी का, उस तरफ कुछ एक नई चाय की टपरी बनी है, वो बुला रहे थे हमको भैया आओ, लेकिन हम गए नहीं थे वहाँ पे, मैंने सोचा भाई के पास में चलेंगे पहले। तो अपने भाई दुर्लभ केशव की गर्लफ्रेंड का घर भी यही भी बताया जा रहा है आसपास में, तीसरी चौथी गली के अंदर ही है। अच्छा तीसरी चौथी गली के अंदर है। तो भाई अगर आपको अपने भाई दुर्लभ केशव की गर्लफ्रेंड का घर देखना है लाइव, तो मैं आप लोगों को अभी चल के दिखा दूंगा, लेकिन अभी क्या है कि टाइम ज़्यादा हो चुका है और रात को इतने टाइम लेट जाने से वहाँ पे दिक्कत भी हो सकती है ना भैया? सही बात है भैया। और इतनी रात को किसी घर पर जाना भी नहीं चाहिए, गलत बात है जाना। हाँ सही बात है, अभी टाइम भी गाइस यार काफ़ी हो चुका है। ये कौन आ रहा है यार इतनी रात को? ये अपने चेले है। अरे यार क्यों कोई गैंगस्टर लग रहा है मेरे को? नहीं नहीं चेले हमारे। ये कौन आ रहा है यार गैंगस्टर यार, है ये गैंगस्टर नहीं है तो?
ये तो ये सरदार जी है हमारे पास में रहते हैं। अच्छा आपके पास में रहते हैं ना, मिलने वाला है अपना। अरे हाँ साहब। अरे अच्छा वो आपके मिलने वाले थे। तो यार भैया हमको भी निकलना चाहिए यार, काफ़ी समय हो गया यार, है ना। चलो ठीक है। हाँ भाई सब बढ़िया ठीक है ना, और मिलते हैं कभी ना, कोई दिक्कत हो तो फोन जरूर लगाना। चलो ठीक है ठीक है भैया, ओके भैया, जय श्री महाकाल भैया, है ना। श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, ओके भैया चलते हैं ना। चलो ठीक है, आप भी अपना काम कर लो ना। तो गाइस यार अभी टाइम काफ़ी हो चुका है और हम निकलते घर पे, तो आ जाओ भैया। तो गाइस यार अभी हम निकलते घर पे, तो भैया ने जो भी था सब कुछ बता दिया है। और अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन रह रहा है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो, और आगे क्या पूछना है। और अगर आपको दुर्लभ भाई की गर्लफ्रेंड का घर देखना है तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट लाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।